पीएससी की तैयारी कर रहे प्रदेश के कई युवाओं ने पीएससी में गणित की परीक्षा को हटाकर छत्तीसगढ़ी भाषा को लाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर शुक्रवार को राजधानी में प्रदेश स्तरीय महारैली निकाली गई। इस दौरान पूरे प्रदेश में पीएससी की तैयारी कर रहे सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हुए। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल में गणित की पढ़ाई नहीं कराई जाती। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्या अधिकारी बनने का अधिकार सिर्फ गणित और साइंस के छात्रों को ही है। जो छात्र आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें पीएससी क्लियर करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने बताया कि यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में काफी कम लोग ही पीएससी पास कर पाते हैं। और यही नहीं, जो युवा पीएससी की पढ़ाई कर पास होते हैं, वो यूपीएससी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। पीएससी में ऐसा पैटर्न लाए कि पूरा ही मतलब सिलेबस चेंज हो जाए या फिर मैथ्स को पूरा ही हटाया जाए, क्योंकि हमारे कला वाले जो बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे। हम लोग 2011 से देखे हैं इसको, लेकिन हमने कोशिश किया है, लेकिन 4 से 5 साल हो गया, फिर वहीं का वहीं 3% मात्र कला और वाणिज्य वाले पास हो पा रहे हैं। तो हमारा सरकार से बहुत ही सनम्र निवेदन है और अनुरोध भी है कि थोड़ा सा समझे, क्योंकि यहाँ ना आजकल जो पैटर्न है एकदम कला बिनाम क्या साइंस हो गया है। तो हमको यहाँ छत्तीसगढ़ का क्यों निवासी है, हमको ये दोधारी में नहीं करना है कि ये भाई तू मैथ्स वाला है तू अलग एकदम इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं। हमारा ये है कि भाई सबको समानता का मिले, सबको पढ़े और सबको डिप्टी कलेक्टर बने, सबको पढ़ने का अधिकार है और सब अच्छा पढ़ सकते हैं और अच्छा अधिकारी भी बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बिल्कुल नहीं बन रहे, और हमारा पैटर्न ऐसा है कि यूपीएससी लेवल का बिल्कुल भी मैच नहीं होता। यहाँ के बच्चे सिर्फ यहीं पढ़ते हैं, बाहर का नहीं पढ़ पा रहे। तो हमारा यही है कि मैथ्स को पूरा ही हटाया जाए।